हम पहुंच चुके हैं ककुर मुख्यालय, जहां पे सदर औरैया से बीएसपी प्रत्याशी माननीय रवि शास्त्री जी का नामांकन होने के लिए यहां पर कुछ समर्थक उपस्थित हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार क्या बहनजी की आएगी या अन्य पार्टियों की बनेगी। आपका नाम क्या है? रोहित सिंह द्वारे, जिला सचिव औरैया जी, बीएसपी जी। बीएसपी से, यानी बीएसपी की सरकार क्या 2022 में आने की संभावना है? संभावना नहीं, पक्का आएगी जी, क्योंकि किसान भी थक चुका है, नौजवान भी थक चुका है। आपने देखा है बेरोजगारी कितनी है, और इसीलिए अब बहन जी का शासन 2007 का किसान भी याद कर रहा है, नौजवान भी याद कर रहा है, और इसलिए औरैया की तीनों सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। और बहन जी ने जो टिकट दिए हैं, हमारी माननीय बहन जी ने जी, वो इस हिसाब से दिए हैं कि सीटें तीनों की तीनों बीएसपी के खाते में जा रही हैं। यानी वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार से आप क्यों नहीं देखेंगे या सपा सरकार को क्यों नहीं देखेंगे? आम भीम आर्मी से विनय गौतम जी को क्यों नहीं देखेंगे? विनय गौतम जी, देखिए उनका कहीं वोट नहीं है, वो एक तरीका के दलाल हैं बीजेपी के, और वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ने आए हैं। वो सिर्फ एससी का वोट काटना चाहते हैं, लेकिन जो बीएसपी का वोट है वो हमेशा 23% से कम नहीं हुआ है आज तक और ना होगा। और समाजवादी पार्टी को जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और उसमें 6% वोट है, उनके पास वोट कहाँ से आएगा? वे मोमडम समाज को जोड़ रहे हैं, उसमें आधा बीएसपी ले रही है अब की बार, और जिस सीट पे बीएसपी फाइट मार रही है वहाँ पे मोमडम बीएसपी के साथ जाकर बीएसपी को जिताएगा जी। यानी क्या बीएसपी में युवा खुशहाल रह पाएगा? हाँ, बीएसपी में युवा खुशहाल हमेशा रहा भाई। बीएसपी ने जो भर्तियाँ की थी, निष्पक्ष भर्तियाँ थी, पुलिस भर्ती देख लीजिए आप, सफाई कर्मी की भर्ती देख लीजिए, और जो बीएसपी भर्ती करती है सर्व समाज को लेकर करती है। ऐसा नहीं चलता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो 84 में 54 यादव, ये नहीं है बीएसपी में जी। बीएसपी सर्व समाज को लेकर साल चलती है, आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी भर्ती है बीएसपी। आपका नाम क्या है? आर्यन वर्मा जी। कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार? 2022 में माननीय बहन जी की बनेगी सरकार। सपा बसपा और भाजपा को क्यों नहीं देखेंगे बीमार में? आज़ाद समाज पार्टी तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो फालतू के दलाल हैं और कुछ नहीं, इसके बीजेपी के घूम रहे हैं ऐसी। और जो है हमारी का नाम जो बहुजन समाज पार्टी है, वही एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को जोड़ के सबका भला करती है, सबका साथ लेके चलती है जी। और सपा में तो गुंडागर्दी है, ये तो सबको ही पता है, सब जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश जानती है जी जी। यानी भाई का कहना है कि 2022 में बीएसपी की सरकार आएगी। यानी यहाँ पर खड़े कुछ नौजवान से भी पूछेंगे, क्या वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार से आप को कोई लाभ मिला है? देखिए, अभी तक कोई भाजपा सरकार से लाभ नहीं हुआ है, कोई मिला नहीं है ना मिलेगा, कोई हमें उम्मीद भी नहीं है भाजपा सरकार से जी। और युवा आजकल के जो युवा हैं, जो परेशान हैं, वो युवा जो हैं चाहते हैं रोज़गार, उनको रोज़गार मिला नहीं है सरकार में, बहुत ही परेशान है। जो आजकल का सर समाज के लोग जो आज जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने समझा है कि हमारी बहन जी की सरकार में हम सुरक्षित हैं, हर चीज़ रोज़गार वगैरह सब कुछ देती हैं बहन जी। इसलिए आजकल का युवा पीढ़ी जो बसपा को समर्थन कर रहा है, बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार से ला रहे जी। दादा, आपका नाम क्या? हमारा नाम संतोष कुमार, हम गाजीपुर से आए हैं जी। हमारा कुछ नहीं, यही कहना है कि हमारा 3-4 बार जांच किया गया कर जी, और इस भाजपा सरकार ने वादे कई बार किए जी। हमारे घर में आज भी छप्पर पड़ा है, कोई भी ईंट ऐसी नहीं है जो सीमेंट लगा उसमें जी, जी। आज मेरा आवास पड़ा है, और जो लैट्रिन बोली जाती है उसके आप जाँच किए जाए, आज भी गड्ढे बंद नहीं हुए हैं। इसलिए मैं भाजपा को नहीं चाहता हूँ दोबारा ये आए, इसी में बहन मायावती को फिर दोबारा चाहते हैं, जो पहले चुनाव में चलती सरकार वैसी मुझे फिर बहन मायावती बुलाना चाहते हैं। भाजपा को क्यों नहीं चाहेंगे, सपा को क्यों नहीं चाहेंगे? सपा ने भी तो कार्य किया था। नहीं, कार्य तो किया था, लेकिन उसमें हमारा ये है कि इतनी बार जांच हुई, हमारा इतनी बार कहा गया कल तुम्हारा आवास बन जाएगा, परसों बन जाएगा, मेरा आज तक भी आवास नहीं बना, शौचालय अधूरा पड़ा है हमारा, कई बार जाँच की गई, कोई सुनवाई इस भाजपा सरकार में नहीं हुई हमारी जी जी।
आपका नाम क्या है? निर्देश कुमार। यानी 2022 में 2022 में किसकी बनवाएंगे सरकार? 2022 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बन रही है जी। बहन जी की क्यों बन रही है? सपा बसपा सपा भाजपा और आम आदमी पार्टी और के भीम आर्मी के यानी आज़ाद समाज पार्टी भी अपने पत्ते को खोल दिया है। अब भीम आर्मी ने अपना पत्ता खोला है विनय गौतम जी का, और बसपा से खोला है पत्ता यानी रवि शास्त्री जी ने, और सपा ने खोला है जितेन दौरे जी का। यानी कांग्रेस जी से हैं, कांग्रेस से हैं सरता दौरे जी। यानी यहाँ पर किसकी सामने सामने टक्कर होगी औरैया सदर से? औरैया सदर से BSP पूर्ण बम्ब ये समझो कि 100% जीत रही है, और टक्कर अगर हो सकती है तो अब हम किसको बता दें। वैसे तो टक्कर में तो ये दोनों ही पार्टियां हैं। यानी भाई का कहना है तीनों पार्टियों का त्रिकोणीय मामला औरैया सदर से देखने को मिलेगा। हम आगे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चलो आपका नाम क्या है? मनोज दौरे जी। मनोज दौरे जी, 2022 में किसको देखेंगे, किसके सिर पर होगा ताज? हम तो ये कहते हैं रवि शास्त्री हमारे विधायक बनेंगे 2022 में। जी बनना चाहेंगे और बनेंगे। अच्छा। हर हाल में जी। मायावती जी जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? निर्देश जी। 2022 में किसको देखेंगे? 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को देख सकते हैं। युवा जी का कहना है कि 2022 में बहन जी को देख